एक दिन की बात है, एक व्यक्ति एक गांव में अकेला जाता है और देखता है कि एक मकान टूटा फूटा खड़ा है। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो व्यक्ति उस बच्चे के पास जाता है और पूछता है उससे कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है। लड़के ने उससे पूरा नाम और पूरा पता बताता है उस गाँव का, और आने जाने के लिए भी रास्ता भी बताता है। वो छोटा सा बालक इतना गरीब था कि उसके घर खाने पीने के लिए भी नहीं था। उससे वो व्यक्ति पूछता है कि तुम खाते कैसे हो। वो बच्चा बोलता है कि जो बीनते हैं उसे बेचते हैं, और फिर जिससे पैसा मिलता है मैं उसी से जो भी खाता हूँ और रहता हूँ। वो व्यक्ति उस बच्चे पर दया करता है और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कुछ रुपये देता है कि तुम ये रख लो। वो बच्चा बड़े बेरहमी से उस पैसे को लौटा देता है और बोलता है कि मुझे ये पैसे आपके नहीं चाहिए, मैं जो भी कमाऊंगा मैं उसी से अपना पेट गुजारूंगा, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं बाबू, तुम रख लो इस पैसे को और इस पैसे से जो भी है तुम उसे पूरा करो। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है इस पैसे से तुम्हें पूरा हो सकता है। बच्चे ने उस पैसे को ठुकरा देता है और व्यक्ति से कहता है कि नहीं, मुझे फिजूल के पैसे नहीं चाहिए, मैं ईमानदार हूँ, मुझे ईमानदारी से काम करके पैसे लेने आते हैं, ना कि यूं ही पैसा मैं ले लूं। उस व्यक्ति के मन में एक विचार आया कि जो कुछ भी है ये बच्चा बहुत ज़्यादा ईमानदार है और मेहनती है, ये अपने बल पे कुछ पैसे हासिल करना चाहता है और ना कि किसी को दिए हुए पैसे से।